मेरे पास ये रिएक्शन है जहाँ पर मैं मीथेन जो गैस फॉर्म में उसको ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूलर रिएक्शन करवा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मुझे मिल रहे हैं लिक्विड स्टेट में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने गिब्स फ्री एनर्जी की बात की थी और उसे सामने रखते हुए हम ये फैसला करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर होती है डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी माइनस द टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिस पर के आपने ये रिएक्शन करवाया, और डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। और ये अगर लेस देन जीरो होगा, ये पूरी टर्म जीरो होगी, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो मैंने एंथैल्पी चेंज इस पूरे रिएक्शन के बारे में मैंने पहले ही मालूम कर, जो कि 890.3 किलो जूल्स है, और ये हम क्योंकि पिछली वीडियोज में मालूम कर चुके हैं, लिहाजा मैं इस प्रोसेस को यहाँ नहीं दोहराऊंगा। और फिर ये प्रोडक्ट्स के लिए मैंने चेंज इन एंट्रोपी की भी वैल्यूज लिख लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करूंगा, और इसके लिए मैंने हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज मैंने मालूम कर लिए। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हुई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं प्लस ई लिख देता हूँ, जिसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ये एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि ये एक्सोथर्मिक ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है। इसके लिए मुझे डेल्टा एस मालूम करना होगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। और ये वैल्यूज भी मैंने पहले से ही मालूम करके रखी हुई हैं। मीथेन की फॉर्म के लिए 186 जूल्स पर केल्विन मोल, यानी कि अगर डेल्टा एस अगर ये बनता है, मैं इसको जरा सही करके बना देता हूँ, यानी कि एस ऑफ एट स्टैंडर्ड, ये जो सर्किल है, क्रॉस सर्किल है, इसका मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप 298 केल्विन पर हैं, याद रखिए। ये इसका इसको अगर आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और यह हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, यानी कि जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मीथेन की जो एस वैल्यू या कि एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वो 186 जूल्स पर केल्विन मोल होगी। यानी यहाँ मेरे पास एक मोल है, तो इसके लिए सॉरी, मेरे पास यहाँ पर एक मोल है मीथेन का, और इसके नतीजे में इस एक मोल के जो बना है, इसके नतीजे में एंट्रोपी चेंज जो आया वो 186 जूल्स पर केल्विन मोल आया है। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी एंटिटीज़ हैं, दूसरे जो इसमें सब्सटेंसेस इस्तेमाल हुए, उनके लिए भी मैंने स्टैंडर्ड पर ये सब चीज़ें मालूम की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। तो यहाँ मेरे पास है, और तरीका वही होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी माइनस दी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं, ये मैंने 213.6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लस 2 × 69.9 की जगह मैंने 70 कर दिया, माइनस अब ये ब्रैकेट में 186, क्योंकि मेरे पास मीथेन का एक ही मोल है और यहाँ मेरे पास अलबत्ता ऑक्सीजन के दो मोल है, तो ये 2 × 205। अब आप इसको देखकर एक ही नज़र में बता सकते हैं कि ये जो टर्म पूरी की पूरी है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि आपके पास ये जो ब्रैकेट में जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये सारी की सारी बड़ी हैं, और 2 × 70 होगा। और आप देख सकते हैं कि ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इस केस में नेगेटिव होगा। और ये भी देखने वाली बात है कि पानी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में, लिहाजा उसकी उसकी जो एंट्रोपी है वो बहुत कम है, बाकी चीजें जो गैस फॉर्म में उनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। अब हम कंफर्म करने जा रहे हैं कि जो हमारा ख्याल है वो दुरुस्त है या नहीं। तो ये मैंने किया, सॉरी, ये मैं लिख रहा हूँ 213.6 प्लस 2 × 70, यानी कि 2 को 70 से ज़रब दिया तो ये हो जाएगा 140 माइनस 186, ये मेरे पास हो गया 353.6। अब मैं इस टर्म में से माइनस करूँगा 186 प्लस 205 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 5, ये हो गया 596 हो गया, ये 596। तो 353.6
353.6 को मैं इसमें से माइनस करूंगा, तो ये 353.6 ये हो जाएगा 242.4 इज इक्वल टू माइनस 242.4 जूल्स पर केल्विन। ये डेल्टा, ये माइनस वैल्यू होगी, याद रखिए, यानी कि मैं इतनी एंट्रोपी लूज करूंगा, इतनी एंट्रोपी में कमी आएगी इस रिएक्शन के नतीजे में। तो अब इस बात कुछ समझ में आ रही है कि मेरे पास अगर बहुत बड़ा कुछ अपरेटस हो तो उसके नतीजे में ओवरऑल जो एंट्रोपी होगी इस रिएक्शन के नतीजे में वो कम होगी, और क्योंकि पानी लिक्विड स्टेट में आएगा, ज़्यादा लिक्विड स्टेट में पानी आने की वजह से इसकी जो एंट्रोपी होगी, ओवरऑल एंट्रोपी लूज पानी कैसे, वो भी अच्छा खासा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने ख्याल की तस्दीक करूँगा। ये मेरे पास डेल्टा एच 890 है, मैं जो डेसिमल वैल्यूज उनको निकाल रहा हूं ताकि सारा प्रोसेस आसान हो जाए, माइनस 298 माइनस 298 ये मेरा टेम्परेचर है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है जो मैंने केल्विन में लिया है। और अब डेल्टा एस मेरे पास क्या रहा है, वी आर एट माइनस 242.4, इसको मैं 242 ही कर लेता हूं। चलिए, मैं आपको इस बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि ये किलो जूल्स में है और ये जूल्स में है, यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं किलो जूल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किलो जूल्स में, तो ये जाएगा 0.242 किलो जूल्स पर केल्विन। ये मैं इसको पॉइंट हटा दिया, तो ये किलो जूल्स में कन्वर्ट हो गया, मैं इसको सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कुछ, तो ये माइनस 890 माइनस 298 को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 298 इंटू 0.242 जो पॉजिटिव टर्म है इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत छोटा इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप इसको एक डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो हड़प कर जाएगा एंट्रोपी के असरात को, यानी आपको जो एक नंबर मिलेगा वो नेगेटिव होगा या जीरो से छोटा होगा। आप चाहें तो देख सकते हैं 0.242 ये मेरे पास आ गया, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 72.2 माइनस 890 प्लस 72.2। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 890 इतनी बड़ी टर्म है जो कि एंथैल्पी टर्म है, ये बहुत इतनी बड़ी है कि ये 72.2 को बड़े आराम से हड़प कर जाए, जिससे जीत जाएगी, यानी कि ये जो नेगेटिव नंबर है ये अपनी नेगेटिव कंडीशन को, नेगेटिव हालत को बरकरार रखेगा, यानी इस केस में आपकी जो ओवरऑल जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो लेस देन जीरो होगी, और ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, आपने बड़ा आसान है, क्योंकि जब आप ये एग्जाम में आएगी गिब्स फ्री एनर्जी का ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, आपको ये वैल्यूज भी दी गई होंगी, और अगर नहीं दी गई होंगी तो आप चेंज इन एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन की मदद से सबको रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए मालूम कर सकते हैं, और फिर कोफिशिएंट्स रख के सबको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आपको हर चीज जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी, और ये आपके सामने सब चीजें मौजूद, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होगा, चीजों को रखना होगा, बस आपके जहन में गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जैसे कि सरफेस ऑफ सन या सूरज के बहुत ज्यादा करीब, ये जो 298 केल्विन ना हो बल्कि ये 4000 हो या 6000 हो या 2000 या 40,000 केल्विन हो ये टेम्परेचर, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये टर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, ये जो एंट्रोपी टर्म है, एंट्रोपी टाइम्स टेम्परेचर टर्म जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और ये चेंज इन एंथैल्पी की टर्म को हड़प कर जाएगी, खा जाएगी। और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि ये जो इस केस में जबकि हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी हर पार्टिकल की, हर एटम की, तो नतीजा क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है इस केस में जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये जो है ये अपने स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आओगी, अगली वीडियो में